हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं द अर्बन इंटीरियर कंपनी। आज हम आपको हमारे रिसेंटली ऑनगोइंग 3 BHK प्रोजेक्ट का टूर करवाएंगे। ये फ्लैट ऑलमोस्ट एंड स्टेज पे है, मतलब ओनली कर्टेंस एंड वॉलपेपर्स का वर्क इसमें बाकी है, रेस्ट ऑल थिंग्स आर डन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है एंट्री एरिया। यहाँ पे हमने सेफ्टी डोर का प्रोविजन किया है। ये है सेफ्टी डोर। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ये लिविंग रूम को डिवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे पार्टीशन प्लस शुरैक बनाया है। इट्स अ शुरैक, ये पार्टीशन प्लस शुरैक, सो दैट एक लिविंग रूम सेपरेट दिखे और ये एक पैसेज क्रिएट हो जाए फॉर द एंट्री। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे हमने एक सेकेंड शुरैक का प्रोविजन किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अंदर शेल्फ प्रोवाइड की गई है। ये वाला शुरैक थोड़ा साइज में छोटा रह जाता है, इसलिए एक सेकेंड शुरैक है। ये शुरैक कनेक्टेड है टू द टीवी यूनिट। टीवी यूनिट में हमने नीचे ड्रॉवर्स का प्रोविजनिंग किया है। साइड में एक डेकोरेटिव यूनिट है जिसमें शोपीसेस, आर्टिफैक्ट्स वगैरह प्लेस किए जा सकते हैं। और ये कंटिन्यूएशन में कंप्लीट एक वन यूनिट आ गया है। देन अपोजिट टू द टीवी यूनिट ये हैव क्रिएटेड दिस वॉल मोल्डिंग्स। अभी इनमें वॉलपेपर आने वाला है बीच में, और ये जो आप इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स देख रहे हैं इनमें डेकोरेटिव वॉल लाइट्स का हम प्रोविजन करने वाले हैं। यहाँ पे फुल हाइट से कर्टेंस आएंगे थ्रू द सीलिंग, जिसमें आपका ट्रैक विजिबल नहीं होगा बिकॉज हमने यहाँ ऑलरेडी प्रोविजन प्रोवाइड किया है फॉर द ट्रैक। अभी हम आते हैं डाइनिंग एरिया में। तो ये है डाइनिंग एरिया फ्लैट का। ये यूनिट हमने यहाँ पे बनाया है टीवी यूनिट के बैक साइड में। मींस यहाँ पे ये वॉल नहीं था, हमने इसको थोड़ा एक्सटेंड किया। टीवी यूनिट जो है यहाँ का वो थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है, उसके पीछे में हमने ये यूनिट बना दिया है सो दैट ये डाइनिंग एरिया सेपरेट एरिया है। और ये यूनिट को डिजाइन करते हुए हमने ये ध्यान रखा है कि जैसे कि ये डाइनिंग एरिया है तो यहाँ पे हमें क्रॉकरी यूनिट चाहिए था, तो यहाँ पे जो भी शटर्स यूज किए गए हैं वो ग्लास प्रोफाइल शटर्स हैं, सो दैट जो भी क्रॉकरी वगैरह रखे वो इसमें से प्रॉपरली विजिबल हो। सो फ्रेंड्स, दिस इज द किचन पार्ट। यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बिल्डर के थ्रू प्रोवाइडेड था, हमने ये वाला प्लेटफॉर्म एडिशनली क्रिएट किया है एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म। इसमें नीचे स्टोरेज प्रोवाइड किया गया है, ऊपर ओवरहेड स्टोरेज का हमने प्रोविजन किया है। ये जो मेन प्लेटफॉर्म था इसके नीचे हमने सॉफ्ट क्लोज टैंडम ड्रॉवर्स के अंदर किचन ट्रॉलीज बनाई है। ये सब हेटिज ब्रांड के हैं। और इसके ऊपर वाले सेक्शन में हमने ओवरहेड स्टोरेज का प्रोविजन दिया है अलॉन्ग विद ग्लास प्रोफाइल शटर फॉर द क्रॉकरी यूनिट। ओवरहेड स्टोरेज के ऊपर वाले पोर्शन में हमने लॉफ्ट्स का प्रोविजन दिया है एल शेप में। अभी चलते हैं ड्राई बालकनी एरिया में। ड्राई बालकनी एरिया में हमने एडिशनल प्लेटफॉर्म बनाया है फॉर द मेड टू कम एंड वॉश द यूटेंसिल्स ओवर हियर। और ये ऊपर वाले स्पेस में हमने ओवरहेड स्टोरेज और उसके ऊपर में लॉफ्ट का प्रोविजन किया है। ये वाला जो नीच देख रहे हैं यहाँ ये है फॉर द वॉशिंग मशीन। ये है हमारा पैसेज एरिया घर का, यहाँ से कनेक्टेड 3 रूम्स हैं। तो यहाँ पे हमें स्पेस अवेलेबल था तो इस स्पेस में हमने काउंटर टॉप प्रोवाइड किया है, उसके नीचे हमने स्टोरेज का प्रोविजन किया है और यहाँ पे काउंटर टॉप बेसिन अलॉन्ग विद द वॉल टाइल्स। और पैसेज में जो स्पेस है इसमें हमने एक प्रॉपर फॉल सीलिंग अलॉन्ग विद प्रोफाइल लाइटिंग, LED लाइटिंग, स्पॉट लाइट्स, ये सब का यूज किया है। आइए चलते हैं अभी मंदिर रूम में। ये है मंदिर रूम। इसमें हमने सिर्फ 2 चीजें डिजाइन की है, 1 इज द स्टडी यूनिट, 2nd 1 इज द मंदिर। ये है कुछ कॉम्पैक्ट स्मॉल स्टडी यूनिट जिसमें हमने नीचे डेकोरेशन किया है और ऊपर स्टोरेज फॉर द बुक्स एंड ऑल। ये वाला सेक्शन है मंदिर सेक्शन, इसमें हमने मंदिर बनाया है। यहाँ पे अभी लेजर कटिंग जारी रहने बाकी है। यहाँ पे एडिशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, नीचे ड्रॉवर्स हैं और उसके नीचे स्टोरेज विद द शटर्स। तो ये था मंदिर रूम। सो ये है चिल्ड्रंस बेडरूम। यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें 2 सिंगल बेड्स चाहिए, सो हमने एक बेड का प्रोविजनिंग यहाँ किया है। उसके साथ में ही यहाँ पे स्टडी यूनिट विद द बुकशेल्फ्स एंड ऑल। सेकंड बेड यहाँ पे आ रहा है, ये सिंगल बेड यहाँ आ गया। उसके साथ में हमने साइड टेबल्स का प्रोविजन किया है एंड वार्डरोब्स विंडो की दोनों तरफ हमने वार्डरोब्स का प्रोविजन किया है। विंडो को विंडो सीटिंग बनाया है यहाँ पे अलॉन्ग विद स्टोरेज डॉर्स एंड ऊपर में लॉफ्ट्स का प्रोविजन किया है। यहाँ हमने ग्लास प्रोफाइल शटर का यूज किया है इस स्पेस में एंड ये दोनों ही बेड्स हाइड्रोलिक बेड्स हैं। इस वाले बेड को अटैच साइड टेबल्स हैं और यहाँ पे स्टडी लाइट का प्रोविजन।
फ्रेंड्स आइए देखते हैं मास्टर बेडरूम वाले एरिया, जिसमें हमने यहाँ पे बीच में किंग साइज बेड का प्रोविजन किया है। यहाँ पे ड्रेसिंग यूनिट अलोंग विद द साइड टेबल, वहाँ पे साइड टेबल कनेक्टेड टू द फुल हाइट वार्डरोब। फ्रंट में हमने टीवी यूनिट एंड और स्टडी यूनिट का प्रोविजन किया है। स्टडी यूनिट में हमने नीचे ड्रॉअर्स का प्रोविजनिंग किया है, ऊपर में बुकशेल्फ्स, और ये है टीवी यूनिट के लिए ड्रॉअर्स। यहाँ पे हम टीवी माउंट कर देंगे। ये बेड भी हाइड्रोलिक बेड है। यहाँ भी ये जो ड्रेसिंग यूनिट है इसमें हमने पीछे की तरफ में स्टोरेज प्रोवाइड किया है। वाले सेक्शन में फुल हाइट वार्डरोब है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा रिसेंटली 3BHK डिजाइन प्रोजेक्ट। कैसा लगा आपको आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और फ्यूचर वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहने के लिए डू फॉलो अस एंड डू सब्सक्राइब अस। थैंक यू।